हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टैबलेट एल्प्रेक्स के बारे में। तो एल्प्रेक्स 0.5 मिलीग्राम, तो 0.5 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। तो एल्प्रेक्स के अंदर होता है एल्प्राजोलम। अब जैसे कि हम जानते हैं, अगर किसी मेडिसिन के अंत में अगर LAM लाम आ जाए या PM पाम आ जाए, तो वो बेंजोडाइजापाइन क्लास की मेडिसिन होती है। और इसका क्या नेचर होता है? इसका नेचर होता है सेडेटिव, मतलब कि ये सुला देने वाली या नींद लाने वाली या काम करने वाली, ओके, मतलब कि शांत कर देने वाली मेडिसिन होती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये मेडिसिन क्या करती है? ये मेडिसिन गाबा के एक्शन को बढ़ा देती है। और कैसे बढ़ा देती है? क्योंकि गाबा की जो बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पर ये बाइंड हो जाती है। जैसे ही ये मेडिसिन यहाँ पर बाइंड हो जाती है, अब गाबा का जो एक्शन हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही गाबा, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है गामा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, अब जैसे ही गाबा यहाँ पर बढ़ जाता है, हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके यूज़ के बारे में। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है? पहला है एंजाइटी, मतलब कि चिंता। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा चिंता होती है तो ये मेडिसिन उसको दे दी जाती है। दूसरा स्ट्रेस, मतलब कि तनाव, तनाव वाले पेशेंट को भी ये मेडिसिन दे देते हैं। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब ऐसे पेशेंट जिनको नींद नहीं आती है, तो उनको सुला देने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी डोसेज के बारे में। तो ये 0.25 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। तो इसको हम कैसे दे सकते हैं? इसको दे सकते हैं BD या TDS, मतलब कि दिन में 2 बार या 3 बार इसको दे सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम डोज कितनी रहनी चाहिए? इसकी मैक्सिमम डोज 6 मिलीग्राम रहनी चाहिए, ओके। 6 मिलीग्राम से कम ही कम लेना होता है। अगर 6 मिलीग्राम से ऊपर लेंगे तो ये ओवरडोज मानी जाती है। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। पहला है स्किन और आई का येलो कलर हो जाना। नेक्स्ट है स्किन रैशेस, मतलब कि स्किन पे चकते पड़ जाना, इस टाइप के चकते पड़ जाना, ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस प्रॉब्लम। अब ये बैलेंस प्रॉब्लम भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद आता है ड्रॉजीनेस, मतलब कि ऊंद आना, तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे अवॉइड की। तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना है? पहला है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन नहीं देनी है। दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उस दौरान भी इस मेडिसिन को नहीं देना होता है। नेक्स्ट है लीवर पेशेंट, लीवर पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देनी होती है। नेक्स्ट है किडनी पेशेंट, किडनी पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देनी होती है। अब नेक्स्ट आता है COPD पेशेंट, COPD पेशेंट मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट है कोई, तो उसको भी ये मेडिसिन नहीं देनी होती है।